नमस्कार दोस्तों, मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे थे कुछ उपकरण जिनके आविष्कार किसी के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं। आता है लेबनीज का कैलकुलेटर, जो कि गॉटफ्रेड वान लेबनीज के द्वारा, जर्मनी के जो थे उन्होंने 1671 में इसका आविष्कार किया। इस मशीन को लेबनीज के रैकनिंग मशीन भी कहा जाता है। यह मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग कर सकने में समर्थ थी। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाती है। याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त किसे किया जाता है? लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। जेकार्ड्स लूम, जो कि एक यंत्र है, जोसेफ मेरी जेकार्ड के द्वारा 1801 में विकसित किया गया। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में बनाया गया। इस मशीन में शॉफ्ट तथा गियर लगे हुए होते थे तथा यह मशीनी भाप से चलती थी। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणित फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्व ज्ञात किया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेलवे, उत्पादन आदि में किया जाता था। किसका उपयोग? डिफरेंस इंजन का। अब आते हैं एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1833 में बनाया गया। इस मशीन के 5 प्रमुख भाग थे। पहला इनपुट इकाई, दूसरा स्टोर, तीसरा मील, चौथा कंट्रोल और पांचवा था आउटपुट इकाई। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर आदि प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। अनुप्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन, जो कि हरमन हेलुरेथ के द्वारा 1880 में विकसित की गई। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। सन 1896 में हेलुरेथ ने टैबुलेटिंग मशीन की स्थापना की, जो कि पंचकार्ड यंत्र के उत्पादन करती थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM हो गया। इसका प्रयोग अगर देखें तो 1890 की जनगणना में किया गया था। किसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया? याद रखेंगे, टैबुलेटिंग मशीन। अब आते हैं मार्क वन, जो कि हार्वर्ड आइकन के द्वारा 1930 में बनाया गया। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहा जाता है। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डेटा मैन्युअली रूप से एंटर किया जा सकता था। संचय के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी चीज़ को सेव करने के लिए मैग्नेटिक ड्रमों का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता है। ऐसे ही आता है हमारा आईनेक, ENIAC, इलेक्ट्रोमैकेनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि JP एकर्ट और 1946 जॉन मोचली के द्वारा बनाया गया।
यह 20 एक्यूमुलेटर का संयोजन है, यानी 20 एक्यूमुलेटर को मिलाकर एक आयनिक जो है बनाया गया। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी। पहला डिजिटल कंप्यूटर था और इसका प्रयोग प्राइवेट फर्म, इंजीनियर्स, रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। याद रखेंगे, पहला कंप्यूटर जो कि आईनेक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट आता है हमारा एडसेक EDSSC इलेक्ट्रोमैकेनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो कि मैरिस विलकस के द्वारा बनाया गया, जो था 1949 में। अब इसका हम देखें पॉइंट, तो यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। दूसरा, यह वर्गों के पहाड़ों को भी गणना कर सकता था। तीसरा, यह मार्करी डिले लाइंस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का लॉजिक के लिए करता था। देखें, अगर अनुप्रयोग की बात करें तो सन 1950 में MV विल्कस और व्हीलर ने जिन आवृत्तियों जैन फ्रीक्वेंसी से संबंधित डिफ्लेरियंस समीकरण को हल करने के लिए एडसेक का प्रयोग किया। 1951 में मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों का प्राइम नंबर की खोज करने के लिए एडसेक का प्रयोग किया गया था। दो लास्ट और बचे हैं, एडवेक, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा सन 1950 में बनाया गया। यह 30 टन बड़ा और 50 फीट चौड़ा था। यह गणनाएं करने में काम आता था। यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि जे पेस्पर, एकर्ट और जॉन मोचली के द्वारा 1951 में बनाया गया। यह इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को अति शीघ्र हल करता था। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवेक था। यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संग्रहित कर सकता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। यहीं पर सारे जो कंप्यूटर की पीढ़ियों में से अगर हम देखें तो हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में।